हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से आपके ही यूट्यूब चैनल मैथ्स के नायक में स्वागत है। और जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, जो हमारे सेशन चल रहे हैं, वो आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए और पटवार के लिए चल रहे हैं। ठीक है, एनटीपीसी के तो एग्ज़ाम डेट अभी तक फिक्स नहीं हुई है और जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा एग्ज़ाम डेट का। तो सुबह आपकी एनटीपीसी वाली क्लास होती है, शाम को आपको पटवार की क्लास होती है। दोनों क्लासें आपको देनी है, दोनों एक घंटे की होती है। बहुत कुछ एक घंटे में आपको सीखने को मिलेगा, ज़्यादा कुछ आपको भाग दौड़ नहीं करनी है। तो एनटीपीसी वाले में हमने सुबह क्या टॉपिक स्टार्ट किया था, स्टैटिक्स स्टार्ट किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छे टॉपिक होता है और यहाँ से प्रश्न बनने के काफ़ी चांसेस होते हैं। और ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, सिंपली है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा और सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। जैसे कल मैंने आपको करवाया था माध्य, आज हम माध्य यानी मीडियन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, 1 बाई 1 हम सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। पहले भी बहुत बार मैंने इन टॉपिक्स पे वीडियो बना के आपको दे रखे हैं, आप चाहो तो उनको भी देख सकते हो, वरना 0 से समझना तो इन वीडियो को देख लीजिए। कंटिन्यू आपको से जुड़े रहना है। इसी तरह पटवार के अंदर हमने स्टार्ट कर रखा है मेंचुरेशन। देखो मेंचुरेशन के 10 से 12 क्वेश्चन मिले, 15 क्वेश्चन तो मिलाकर आपको प्री और मेन में देखने को मिलते, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पोर्शन रहेगा। तो इसलिए मैंने धीरे धीरे मैं टॉपिक को क्लियर करूँ, सारी चीज़ें कवर अप करता हुआ चलूँगा। तो चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं सभी बच्चों से बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर मारना है। और टेलीग्राम चैनल नीचे एक लिंक दिया हो, वहाँ पर जाके आप हमें आप ऐड हो सकते हो, क्योंकि आने वाले दिनों में वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन की सीरीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का क्या रहेगा, मीडियन यानी माध्यक पढ़े। कल माध्य पढ़ लिया था, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया था सभी को। तो आज हम पढ़ने वाले मीडियन, ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, यानी माध्यक जी बोलते हैं। कल मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, क्या मैंने बोला था, अगर किसी बच्चे को एवरेज बहुत अच्छे तरीके से आता है, हैं ठीक है, एवरेज अच्छे तरीके से आता है, तो आधा पार्ट स्टैटिक्स का आराम से उसे कर लिया है, यानी एवरेज का बहुत अहम रोल रहता है इसके अंदर। कल भी कुछ मैंने क्वेश्चन बताए थे एवरेज से रिलेटेड, कि ये एवरेज होता है, यही माध्य आपका होता है। आज फिर माध्यक पूछने हैं, माध्यक में आपके 2 से 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको माध्यक से बड़ा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और एग्ज़ाम में इतना समय नहीं होता। क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा सेट किया जाता है कि क्वेश्चन जितना समय एग्ज़ाम में हमें मिलता है, प्रत्येक क्वेश्चन को देखकर ही काउंट किया जाता है, कि एक क्वेश्चन 1 मिनट का दिया जाए या एक क्वेश्चन 50 सेकंड का दिया जाए, तो ये सब कुछ देख के ही दिया जाता है। तो बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं माध्यक से। अगर दूसरे तीसरे टाइप से हम देखें तो हम क्या करेंगे, पहला टाइप और दूसरा टाइप ही पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न आपका बनने वाला है। तो चलिए फर्स्ट टाइप में किस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो टाइप फर्स्ट, देखो सिंपल सी बात है, आपको एक क्वेश्चन दे देगा। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये दे दिए। आपसे प्रश्न पूछेगा कि माध्यिक ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, माध्यिक ज्ञात करो या माध्यिका ज्ञात करो, ठीक है, एक ही बात है, माध्यिका ज्ञात करो। तो ऐसा प्रश्न मैंने कल भी करवाया था, ये तो माध्यिक था, मैंने माध्य में करवाया था। तो इसमें क्या क्या करना होगा, सिर्फ आपको एवरेज ही बताना होगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि अब ये नंबर तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे किस क्रम में है, आरोही क्रम में है, ठीक है। जब भी हमें कोई सीरीज बिखरी हुई नज़र आए तो हमें उसको सेट करना होता है माध्यक, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसका एवरेज बता दीजिएगा, तो आप देखोगे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ है, तो बराबर बराबर छोड़ दें, तो 4 इधर से छोड़ दें, हमें तो एवरेज बताना है ना। तो बीच वाली यदि 5 और 6 के बीच में क्या आएगा, सिर्फ 5 और 6 के बीच में 5.5 आएगा, तो ये आपका माध्यक हो गया, बस हो गया आंसर, यही था। यानी एक तरीके से एवरेज ही हमने बताया है। और मैंने कल आपको बताया था कि एवरेज अगर आपको अच्छे से आता है तो स्टैटिक्स आपकी 50% कंप्लीट हो चुकी है। दूसरा प्रश्न मैं इसमें देखता हूँ, अगर आपको इससे बिखरी हुई सीरीज दे दे 7, 2, 1, 4, 9, 10 इस तरह से दे दे और आपसे प्रश्न पूछा जाए, सर माध्यक बताइए, माध्यक फाइंड करिए, तो सबसे पहले हमारा काम होगा इस सीरीज को आरोही क्रम में सेट करने का। तो आरोही क्रम में सेट करेंगे तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 है। अब हमें बीच वाली संख्या देखनी है, तो
तीन इधर से छोड़ दें, तीन इधर से छोड़ दें, और चार और सात के बीच क्या संख्या आएगी? आप कहोगे सर चार और सात के बीच में क्या संख्या आती है? आप कहोगे चार और सात के बीच में तो सर इधर से पाँच आती है, इधर से छः आती है। यही तो बात है, बच्चा कन्फ्यूजन होता है ऐसे प्रश्नों में कि कौन सा लिया जाए। तो मैंने कल एक तरीका ये भी तो बताया था आपको कि कोई बात नहीं, अगर बीच में ऐसा लगे कि दो संख्या है, तीन संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इन दोनों यहाँ से बराबर बराबर दो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आप तीन ना छोड़ के दो दो छोड़ दें, कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने इसको छोड़ दिया, इसको इन दोनों को ले लीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा और दो से भाग दे दीजिएगा, तो कितना आ गया? ग्यारह आ गया। सात और चार कितने हो गया? हाँ ग्यारह हो गए। दो तो आपका आंसर 5.5 ही तो आया, ठीक है। अब देखो, अब अगर यहाँ मैं तीन तीन का बताता हूँ, अगर आप तीन छोड़ते यहाँ पर, ठीक, अगर आप तीन छोड़ते तो क्या था आपके चार और सात के बीच में क्या आता? सर एक तो पाँच आता, एक आपका छः आता, तो हमें तो बीच वाला बताना था। तो इधर से पाँच भी छोड़ देंगे, इधर से छः भी, तो बीच वाला आपको 5.5। देखो दोनों तरीके से आंसर आ रहे हैं, इसलिए चीज़ों को ध्यान से समझना है। ये नहीं कि कि कोई डिजिट आ गया तो फंस के खड़े हो जाओ, सोचना नहीं है, बीच वाली संख्या बतानी है। यानी आपसे अगर सीधी सीरीज का क्वेश्चन पूछे ना, तो अगर माध्य पूछे तो भी औसत बताना है, माध्यक पूछे या माध्यिका पूछे तो भी आपको औसत बताना है, यानी बीच वाली संख्या बतानी है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होगा, आरोही क्रम में सेट करना होगा माध्यक वाली डिजिट्स को, और बीच वाली संख्या आपको बतानी होगी। बताओ प्रश्न समझ में आया क्या? क्या पहले टाइप के प्रश्न अगर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा तो आप कर लोगे? जी सर कर लेंगे। चलिए एक आध और क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं, जो एग्जाम में लैंग्वेज के अकॉर्डिंग किस तरह का क्वेश्चन आपको दे सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक कक्षा में छात्रों के प्राप्तांक दे रखे हैं और पूछा गया कि माध्यक ज्ञात करो। तो सबसे पहला यही काम होगा कि इसे आरोही क्रम में सेट करना, ठीक है। तो आरोही क्रम में सेट करें तो सबसे पहले क्या आएगा सर? सबसे पहले 10 आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में 10 के बाद में क्या आ रहा है आपका? 14 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 25 आएगा आपका, ठीक है ना, फिर 25 आएगा सीधा। तो ये नंबर तो ऊपर वाले सारे ही आ गए हैं। अब 25 के बाद में क्या आता है आपका? 34 आएगा, उसके बाद 41 और 50 और 60 ही आ गया। अब बीच वाला नंबर देख लेते हैं क्या बराबर है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, विषम नंबर है कुल। तो यहाँ से कितने छोड़ दें सर? यहाँ से आप चार छोड़ दीजिएगा, यहाँ से भी आप चार छोड़ दीजिएगा, तो बीच में जो नंबर आया वो आपका मध्य हो गया। तो इस तरह से प्रश्न आप आराम से कर सकते हो, बस कुछ ही नहीं करना। तो पहले टाइप का प्रश्न है, तो बहुत ही इजी कंसेप्ट पे होगा और आप आराम से इसे कर पाओगे। चलिए अब टाइप नंबर दो हम डिस्कस करते हैं। देखो टाइप नंबर दो में क्या होता है कि प्रश्न के अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है, थोड़ी सी एक छोटा सा एक फॉर्मूला भी आपको करना याद करना पड़ेगा। कई बार तो ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सीधा सीधा फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है और साथ साथ कंसेप्ट भी आपको चीज़ों को सीखना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फॉर्मूला क्या है और कौन कौन से उसमें सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे वो याद रखने। चलिए दोस्तों टाइप सेकंड देखते हैं माध्यक में। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला है और ये इन सिंबल्स के मीन्स हैं। तो पहली बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को पूछा भी जा सकता है अगर एडवांस लेवल का कुछ वर्जन दिया जाए, वरना अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी कई बार पूछा गया है कि भाई फॉर्मूला बता लीजिए। अब ये प्रश्न, ये फॉर्मूला कब लगेगा? माध्यक निकालने में लगेगा। मैंने बताया माध्यक का फर्स्ट स्टेप जिसमें सीरीज दी हुई थी, तब तो आपको सीधा आरोही क्रम में सेट करके बीच वाले नंबर बताने हैं। ये भी एक फॉर्मूला है, इससे भी माध्यक निकलता है, लेकिन होता क्या है इसके अंदर हमें जो सीरीज दी होगी वो वर्ग अंतराल में दी होगी। क्या दी होगी? वर्ग अंतराल में। कल मैंने करवाया था जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, इस तरह से हमें वर्ग अंतराल के अंदर एक सीरीज दी होती है। और माध्यक जब भी फाइंड आउट करवाएगा तो ये फॉर्मूला आपसे ज्ञात करवाएगा और इसी से निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, कल माध्य निकाला था, उसमें भी वर्ग अंतराल का क्वेश्चन पूछा, मैंने बताया था तीसरे टाइप का, उसमें अलग फॉर्मूला था, अब इसमें अलग फॉर्मूला है, तो ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला आपको देखो याद करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद करना ही पड़ेगा, ठीक। अब इस फर्क में सबसे पहले एल है, एल मतलब निम्न सीमा, यानी हमें कोई ना कोई वर्ग अंतराल, मान लीजिए ये वर्ग अंतराल हमें चुन लिया, हमें ये मिल गया, तो इसका मतलब एल का मतलब निम्न सीमा कौन सी है? सर निम्न सीमा 10 है, तो एल की वैल्यू 10 हम क्वेश्चन में ले लेंगे, ठीक है। एन प्रेक्षणों की संख्या,
कि टोटल कितने मेंबर हैं या कोई श्रेणी दे रखी है जिसमें टोटल कितने हैं, तो वो क्वेश्चन में आपको दिया होगा। ठीक है, जैसे 50 दे दिया कि कुल 50 प्रेक्षण हैं, कुल 50 प्रेक्षण हैं, तो इन की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई, और यहाँ रखेंगे तो 2 से डिवाइड हमें कर देंगे। सीएफ एक बारंबारता होती है, जैसे संचय बारंबारता बोलते हैं, सीएफ की वैल्यू क्या आएगी कि माध्यिक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। कहने का मतलब, मान लीजिए ये माध्यिक वर्ग था, ठीक है, इसके सामने एक संचय बारंबारता हमने ये ले ली, लेकिन प्रश्न, और इसके पहले ये मान लीजिए ये थी माध्यिक वर्ग से ठीक पहले की, माध्यिक वर्ग ये है, ठीक है, से ठीक पहले की संचय बारंबारता, इसके सामने संचय बारंबारता, इसकी तो यही है संचय बारंबारता, ठीक पहले की पूछी गई संचय बारंबारता, तो इससे पहले की तो इसके ऊपर वाली होगी, तो हम सी एफ की वैल्यू जो आएगा वर्गत्रा उसके सामने संचय बारंबारता उससे ठीक एक पहली वैल्यू होगी, वो सी एफ होगी। समझ में आ गई? अच्छा, एफ माध्यम वर्ग की बारंबारता, तो माध्यिक वर्ग यही था, तो यहाँ पर एफ की वैल्यू भी आपको कहीं ना कहीं दी होगी, तो यहाँ मान लीजिए 10 दी होगी, तो हम इस ये एफ की वैल्यू हम ले लें। वर्ग अंतराल, इस वर्ग अंतराल को देखें, 10 और 20 का वर्ग अंतराल कितना सर, 10 है, तो यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी। पहले मैं इस फॉर्मूले को समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे आप ले सकते हैं, बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ। सिंपल सी प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, माध्य का पहले फॉर्मूला याद करना है, एल प्लस ब्रैकेट लगा के n बटा टू प्लस में सी एफ अपॉन में एफ और इनटू में मल्टीप्लाई कर देना है h से, जिसे वर्ग अंतराल, और इनके मीन आपको धारकण है, l आपकी निम्न सीमा है, ठीक है, h आपका वर्ग अंतराल है, n प्रेक्षणों की संख्या है, सी एफ क्या है, जो संचय बारंबारता होगी, जो वर्ग अंतराल मिलेगा उसके ठीक, जो उसकी संचय उससे ठीक पहले की बारंबारता, और क्या बच गया, f बच गया, ये वर्ग अंतराल की बारंबारता। आया कुछ समझ में? ठीक है, आ जाएगा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब आएगा, तो नोट कर लीजिए साथ, और चलिए क्वेश्चन करते हैं, उसमें ज़्यादा आपको मैं समझा पाऊँगा। चलिए दोस्तों, अब मैंने आपके सामने क्वेश्चन ले लिया, अब इस टाइप से आपको क्वेश्चन देगा, एक सिंपल मैंने क्वेश्चन लिया, एक तरफ वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपको एफ यानी बारंबारता दी गई है, और आपसे प्रश्न पूछेगा कि सर माध्यक बताओ। दिमाग में देखते ही समझ में आना चाहिए कि माध्यक निकालने के लिए अपने को वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अपने को दिया गया। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या क्या कहा था, वहाँ पर आपको वर्ग अंतराल चाहिए, ठीक, हमें वर्ग अंतराल दे रखे हैं, हमें एफ की वैल्यू चाहिए थी वो भी हमें दी गई है, हमें सी एफ चाहिए तो सी एफ तो है ही नहीं, तो ऐसे प्रश्नों में आपको सी एफ निकालनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, बिल्कुल आसान है निकालना, तो पहले मैं सी एफ निकालना सिखाता हूँ आपको, ध्यान से समझें सारे बच्चे। देखो सी एफ निकालते हैं, सी एफ का मतलब कुछ नहीं है, पहले एफ की वैल्यू जो दे रखी है ना, पहली वैल्यू वो सेम टू सेम यहाँ रख दीजिएगा, दो रख दी, इतनी काम करो, उसके बाद में इस दो को इस एक में जोड़ देंगे तो तीसरी वैल्यू आ जाएगी 3, इसको इसमें ऐड कर दो कितनी आ जाएगी 6, इसको इसमें ऐड कर दो कितनी आ जाएगी 12, इसको इसमें ऐड कर दो कितनी आ जाएगी 16। बताओ समझ में आई क्या नहीं आई, सो सिंपल, यानी पहले आप जो बारंबारता एफ उसकी पहली वैल्यू रख दीजिए, उसके बाद में आप तिरछा जोड़ना चाहेंगे, इसको इसमें जोड़ दें, इसको इसमें जोड़ दें, इसको इसमें जोड़ दें, इसको इसमें जोड़ दें, आपकी सी एफ आ गई। बताओ मज़ा आया क्या नहीं आया, सी एफ निकालना सीखा कि नहीं सीखा, बस अब सब कुछ हो गया, अब हमें फॉर्मूले पर चलना है, तो चलें सबसे पहले फॉर्मूले पर चलें, तो फॉर्मूला मैं लिख दूँ, चले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो माध्यिक का फॉर्मूला क्या था, ध्यान एल था ना, और एन बटे दो प्लस में सी एफ था आपका, अपॉन में आपकी एफ थी, गुणा में क्या था आपका एच था। तो सबसे पहले तो हमें एल की वैल्यू तो बाद में पता लगेगी, इसमें ध्यान क्या रखना, आपको पहले आपको एन बटे दो निकालना होता है, यहाँ पर ये एन निकालना होगा, तो मैंने बोला था कि इस प्रेक्षण संख्या दी होगी टोटल, तो नहीं दे रखी, तो हम निकाल लेंगे, हमें पता कुल प्रेक्षण कितने हैं, तो ये जो टोटल करते हैं ये एन होते हैं कुल, ठीक है, ये एन और ये एन सेम ही, ठीक है ना, एक ही बात है, स्मॉल एन एन, तो कितने हो गए 6, 8, 4, 10, अरे 16 हो गया, 16 हो गया क्या, हाँ 16 हो गया। अब हमें क्या करना है, n बटे दो निकालना है यहाँ से, जब भी आप n बटे दो निकालोगे यहाँ पर, तो 16 बटे दो और बराबर 8। अब हमें क्या करना है, अब एक वर्ग अंतराल चुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा ही आपको ये निकालना होता है, और इसमें दो का जब भाग दे दोगे तो संख्या आ जाएगी आपकी 8। अब ठीक, अब संचय बारंबारता 8 है क्या किसी की, नहीं है, नहीं है, लेकिन हम 8 से एक बड़ी लेनी पड़ेगी अपने को ऐसे प्रश्न के अंदर, तो 8 से एक बड़ी तो 2, 3, 6 भी नहीं है, लेकिन 12 है, तो हम ये ले लेंगे 12, तो बस ये संचय बारंबारता 12 वाली आ गई, तो इसको हम कवर अप कर देते हैं, बस खेल खत्म,
ये सीरीज अपने को मिल गई, यहां से इस तरह से आपको ये एक सीरीज मिलेगी एन बटा दो, जो भी चीज आई ना हमेशा एन बटा दो निकालना, जो भी वैल्यू आई उससे ठीक एक बड़ी संची बारंबारता लेनी है, जैसे ठीक एक बड़ी 12 होगी, 16 भी इससे बड़ी है लेकिन हमें ठीक एक बड़ी लेनी है तो एक बड़ी तो ये होगी, तो सीधा वो सीरीज अपन ले लेंगे। अब अपना खेल खत्म हो गया। कैसे, हमें सबसे पहले एल की वैल्यू क्या निकलेगी? सर एल की निम्न सीमा है ना, तो निम्न सीमा आपके पास कितनी है? सर 30 है, ये 30 आ गई, ठीक है। अच्छा एन कितना है? परीक्षणों की संख्या है वो कितनी है? सर 16 है एन की वैल्यू, ठीक है, वेरी गुड। सी एफ कितना है भाई? सी एफ बताया था वर्ग अंतराल की, ये वर्ग अंतराल है, इसकी संचय बारंबारता ये है, लेकिन इससे ठीक है पहले की संचय बारंबारता 6 है, तो सी एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई, समझ में आ रहा है। उसके बाद में एफ चाहिए, एफ यानी बारंबारता, वर्ग अंतराल की बारंबारता, तो ये रही एफ बारंबारता ये, तो ये इसकी भी 6 आ गई। अच्छा एच था वर्ग अंतराल, तो 30 और 40 का वर्ग अंतराल कितना आ गया? 10 आ गया। बताओ सारी वैल्यू अपने पास आ चुकी हैं, अब प्रश्न में रख देंगे और देख लेंगे क्या आंसर आ रहा है। एल की वैल्यू कितनी रखें? सर 30 रख दीजिए, प्लस में एन बटा दो तो निकाल ही रखा है, 16 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ से 8 आ रहा है, 8 प्लस में सी एफ की वैल्यू कितनी है? 6 है, अपॉन में एफ की वैल्यू कितनी है? 6 है, गुणा में कितना करना है? 10 करना है, ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो 30 प्लस 8 और 6 14 हो गया ना, तो यहाँ से पहले इसको काट दे, 5 2 10, 3 2 6 8 और 6 14 और 14 70 बटे 3 आ गया आपका। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 90 प्लस में 70 अपॉन में कितना आ गया? 3 आ गया, तो ये कितना हो गया? 9 और 7 16 हो गया, तो 1600 अपॉन में 3। अब इसमें भाग देखे देखते कटता है क्या? 6 और 1 7, ये पूरा पूरा भाग इसमें नहीं जाता है, तो कोई बात नहीं है, इतना ही आंसर आपका हो सकता है ऑप्शन में। तो ये वैसे अगर आप सोल्व करोगे तो आगे कर लेना, इसको मिश्र भिन्नी के अंदर चेंज करना है, वैसे ये तो एक कैलकुलेशन है, लेकिन आपको ये वैल्यू ध्यान रखनी होती है कि ये वैल्यू कैसे निकलेगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यानी एक बार फिर बता देता हूँ, आपको इस तरह से प्रश्न मिले वर्ग अंतराल वाला और आपसे माध्यक भाग ज्ञात करवाएगा, तो हमें सी एफ निकालनी होती है। सबसे पहले क्या काम करना होता है? सी एफ निकालनी होती है। अब सी एफ में देखोगे कुछ नहीं करना, पहले एफ वाली वैल्यू रख देनी है, फिर इसको इसमें ऐड कर देना है, फिर ऐड करके इसमें इसको प्लस करके फिर यहाँ ये वैल्यू रख देनी होती है, फिर इसको इसमें प्लस कर देना होता है, फिर इसकी वैल्यू इसमें रख देनी होती है, फिर इसको इसके साथ प्लस कर देना होता है, इसको यहाँ रख देने के फिर इसको इसके साथ प्लस कर देना होता है, और फिर यही वैल्यू आ जाती है। ये तो होता है सी एफ निकालने का, एक सर्किल निकाल लिया, फिर हमारा काम रहेगा टोटल प्रेक्षण निकालना, इन सबको हम जोड़ देंगे तो एन बराबर 16 आ गया, ठीक है, जोड़ने पर एन बटा दो निकालने 8 आ गया, 8 से एक बड़ी संची बारंबारता लेनी है, और लेने के बाद उसको वो सेम उस पूरी लाइन को कवरअप कर लेना है। अब कवरअप करते सारा खेल स्टार्ट हो जाएगा। एल एक निम्न सीमा थी तो 30 आ गई, एन 16 आ गया टोटल जोड़ा जो भी, सी एफ संची बारंबारता ये मिली अपने को, इससे पहले वाली 6 आ गई, एफ क्या था? वर्ग अंतराल की बारंबारता, एच क्या था? वर्ग अंतराल, तो सारी वैल्यू रख दी। बाद में तो कैलकुलेशन है मेरे भाई, बाद में तो कैलकुलेशन है। तो ये होता है माध्यक निकालने का सिस्टम। बताओ समझ में आया क्या? अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो इसलिए मैं मानता हूँ कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं देगा, लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछेगा? आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अगर ये दिए रखे हैं तो बताओ इसमें सी एफ कितने हैं या सी एफ कितना होगा, तो आपको सी एफ निकालना सीधा पूछ सकता है, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ तक तो आसान होता है ये चीज़, क्योंकि पेपर में ये दी होगी, सिर्फ आपको तो यही तो निकालनी है, यही निकालनी है आपको, तो और आपसे सी एफ डायरेक्ट पूछ सकता है, तो 12 आ गई। आपसे एच की वैल्यू पूछ सकता है, या पूरी कैलकुलेशन भी आपसे करवा सकता है। जब भी कैलकुलेशन करवाएगा ना आपसे, तो ऐसी डिजिट देगा जो बिल्कुल नॉर्मल होगी और आप आराम से उसकी कैलकुलेशन कर पाओगे। ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड या पॉइंटों में वैल्यू नहीं मिलेगी, डरने का नहीं है, दिमाग में आपके डाउट आएगा सर पॉइंट में दे दे तो, हाँ बिल्कुल वैल्यू होती है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि अगर एनटीपीसी की तैयारी करो तो एनटीपीसी में तो भैया 90 मिनट है, 1 मिनट का भी टाइम नहीं अपने पास क्वेश्चन को करने में, तो इसका मतलब है वो ऐसा नहीं होगा कि 1 मिनट का टाइम नहीं, इसका मतलब वो 1.5 मिनट का क्वेश्चन दे दे आपको, ऐसा कभी नहीं होता। प्रत्येक क्वेश्चन का टाइम डिसाइड करके ही कुल टाइम निकाला जाता है। तो बताओ समझ में आया कि नहीं माध्यक निकालने?
फिर बता रहा हूँ, माध्यक में दो तरीके होते हैं, एक तो सिंपल डिजिट दी होगी तो माध्यक निकालना, तो बीच वाला नंबर यानी असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेना, आरोही क्रम में सेट कर लेना, बीच वाला नंबर यानी औसत बता देना है। जब भी वर्ग अंतराल के बारे में कोई क्वेश्चन देगा तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और इससे जुड़े जो नंबर्स, ये जो सिंबल है, इनमें क्या क्या मतलब होता है इनका, ये आपको ध्यान रखना है। फिर कुछ नहीं करना, सबसे पहले सीएफ निकालनी है। सीएफ निकालने के बाद में सारा काम खेल खत्म हो जाएगा, एक अपने को सीरीज मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यू रख देनी है। बताओ समझ में आया क्या नहीं आया। चलिए दोस्तों, अभी तक आपने क्या सीखा, कल वाले वीडियो में, आज की वीडियो में, कल मैंने आपको माध्य निकालना सिखाया, तीनों टाइप के क्वेश्चन माध्य में करवाए थे, और आज अपने माध्यक निकालना यानी माध्यिका निकालना सीखा। अब देखते हैं, एक प्रश्न इसमें रह गया बहुलक का, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ बताता हूँ आपको। एक टॉपिक मिलेगा माध्य विचलन, क्या मिलेगा, माध्य विचलन, नाम सुना होगा, मीन डेविएशन जिसको बोलते हैं, माध्य विचलन। मैंने बहुत बार वीडियो बना के आपको बताया हुआ है, अब भी करवाऊँगा, ऐसी बात नहीं करवाऊँगा। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो मैं इस माध्य विचलन के टॉपिक को, अब ये जो माध्य विचलन है ये रिलेट किससे होता है, ये आपके माध्य से और प्लस में माध्यक से रिलेट होता है। दो टाइप के से प्रश्न पूछेगा, माध्य विचलन आपका माध्यक की फॉर्म में ज्ञात करवा सकता है, या माध्य विचलन आपका माध्यक की फॉर्म में ज्ञात करवा सकता है। तो दोनों टाइप से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ये दोनों टाइप से रिलेटेड है। ये दोनों चीज़ आपको आती है तो आपको माध्य विचलन भी आ जाएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसलिए इस माध्य विचलन पर एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा, सॉरी अलग से वीडियो बनाऊंगा। सिर्फ वो किस पे डिपेंड होगा, माध्य विचलन पे, वो हम कल करेंगे। क्यों, क्योंकि मैं इसके ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन सारा देने वाला हूं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न आपका बनेगा। पहले भी बहुत बार माध्य विचलन मैंने सिखा रखा है, इसलिए आपको, आप ये ना कहो कि सर माध्य करा दिए, माध्य करा दिए, माध्य विचलन नहीं कराए, बिल्कुल कराऊंगा, नो डाउट। कल के वीडियो में माध्य विचलन ही करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब इसलिए इसको आज नहीं करेंगे, तो अब क्या करेंगे, अगर माध्य और माध्यक सीख लिए, अब हम बहुलक सीखेंगे। क्या सीखेंगे, बहुलक, बहुलक सीखने वाले हैं। अब बहुलक क्या होता है वो हम देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन आपसे प्रश्न पूछेगा और यहाँ से आपको सिर्फ इसका एक बड़ा फॉर्मूला है वो ही पूछा जाता है, ठीक है। तो कल का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक्स का ध्यान रखना आपको, ठीक है, माध्य विचलन करवाने वाले हैं। तो बहुलक जिसे मोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोड, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, बहुलक, बहुलक का मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो एक सीरीज आपको दी होगी, पैटर्न वही, एक एक सीरीज का माध्य में प्रश्न मैंने बताया था, माध्यक में भी मैंने आपको बताया था, और बहुलक में भी आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे 2 है, 3 है, 7 है, 9 है, 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है, इस तरह से प्रश्न आपसे पूछ लिया। और बताओ इसका मोड क्या है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड मोड, ठीक है। अब आप मेरे को एक बताओ, मोड का मतलब बहुलक, बहुत सारे यानी ऐसे डिजिट, ऐसी डिजिट जो सबसे ज़्यादा बार आए ना, वही आपका आंसर है। तो आप देखोगे इसके अंदर सबसे ज़्यादा बार एक तो 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, इसका मतलब ऐसी डिजिट 3 है जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है। तो आपका जो आंसर होगा, जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, सिर्फ 3 होगा। आपको उसे इतना आसान है जी, बिल्कुल इतना आसान है बहुलक निकालना, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है, जो सबसे ज़्यादा बार नंबर पूछा जाए वही करना है। अब बताओ इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बताऊँ आपको, कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, एक सीरीज दी और आपको सबसे ज़्यादा जो नंबर आएगा वही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा, बहुलक में एक बड़ा प्रश्न बनता है जो आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, डायरेक्ट उसका फॉर्मूला पूछेगा। तो चलिए मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, और LDC के पेपर में शायद, मेरे हिसाब से कॉन्स्टेबल में तो नहीं था, LDC में था आई थिंक, मेरे हिसाब से, या रीट में था, कहीं ना कहीं ये प्रश्न मेरे याद नहीं आ रहा कौन सी परीक्षा में, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा गया था, सीधा फॉर्मूला ही पूछेगा आपसे, कैलकुलेशन नहीं करवाएगा। क्योंकि कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन जब मिलेगा ना, तो मीन डेविएशन, माध्य विचलन से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि वो कल की वीडियो में करने वाले, पूरा मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में। चलिए मैं इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, और वो आपको सिर्फ याद रखना है, सीधा सीधा फॉर्मूला ही इससे पूछा जाता है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा कैलकुलेशन करने में, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये आपके सामने फॉर्मूला है, सिर्फ इसको आप याद कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न
बहुत कम देखने को मिलता है, इसको सोल कम करवाएगा। कोई ज़्यादा बड़ा प्रश्न तो नहीं बनता है, ऐसी बात नहीं है, करवा देंगे। अगर आपको अगर इस पर क्वेश्चन करवाने तो मुझे कमेंट कर देना, कल के वीडियो में मैं लास्ट में इसका एक क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। लेकिन मुझे पता है कि जहाँ तक मैंने देखे एग्जाम पेपर, इसके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ फॉर्मूला ही पूछा जाता है। तो ये आपके सामने जैसे माध्यक जैसे फॉर्मूला था ना, सेम ही था, और ये आपके सामने उसके मीन्स है, बस कुछ नहीं है। अगर सीखना है कमेंट कर देना, मैं आपको सिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें तो क्या करनी है, वही चीज़ें पढ़नी हैं जो हमारे काम की है और जो चीज़ें एग्ज़ाम में आती है। तो ये था आपका माध्य, माध्यक और बहुलक, सो सिंपल। एक दो वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिया, अब ये मैं बैठा रहूँ इसको 5 वीडियो बना के छोड़ दूँ और डराऊँ कि स्टैटिक्स बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, या फलाना करो, देखड़ा कर लो, ये क्वेश्चन कर लो, कुछ नहीं है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नो डाउट। और इससे जुड़े थ्योरी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, परास क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरे करवाऊंगा। कल मध्य विचलन वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक और कंप्लीट कर लेते हैं एक वीडियो के अंदर, फिर मैं उसके बाद में थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन यहाँ से प्रश्न में पेपर में पूछे गए वो सारे करवा दूँगा, चिंता मत कीजिएगा। मुझे पता है क्या करवाना है, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। तो ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और शाम को पटवार वाली क्लास होगी, मेंसुरेशन चल रहा है तो आप उसे देखना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं, और फिर बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से कि आप वीडियो को लाइक करते रहें, जिससे कि हम मोटिवेट होते हैं, क्योंकि आप लाइक करोगे तो हम मोटिवेट होंगे। और इसी तरीके से आप वीडियो को शेयर और फैमिली को ग्रो करते रहिए। धन्यवाद।